प्रेजेंट सिनेरियो में इंडियन यूथ पार्लियामेंट जो काम कर रहा है, ये एक टाइम चल रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में जहां पे एक रिफॉर्म हो रहा है. रिफॉर्म नॉट ओनली प्रोसेस प्रोसीड्यूर, इससे जो इंडियन यूथ का मेरा मेंटल रिफॉर्म जो पॉलिटिक्स को डेवलपमेंट का दिशा दे रहा है, जो देश का दीप के लिए, देश का डेवलपमेंट के लिए, ये सब इसका मन में नया तरीका से आया है. और इसमें अभी जो इंडियन यूथ पार्लियामेंट जो काम कर रहा है उसको डेवलप करने के लिए, वो हमारा जैसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जैसा त्रिपुरा है, ये तो एक रिमोट स्टेट है, इसलिए इसका अंदर इसको जगाना चाहिए, इसको डेवलप करना चाहिए. जो पॉलिटिक्स में अच्छा क्वालिटी आदमी आना चाहिए, अच्छा जो रिसोर्सफुल है, ये सब लोग आना चाहिए. तो पॉलिटिक्स में ये जो इंडियन यूथ पार्लियामेंट जो कर रहा है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा होगा. अगले दिन में ये सब इंडियन यूथ पार्लियामेंट का ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज नॉर्थ ईस्ट में, और लाइक त्रिपुरा जैसा रिमोट स्टेट है, इसमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज होना बहुत जरूरी है. मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट प्रीवियस लास्ट 70 इयर्स इसके लोगों को मन में एक कन्फ्यूजन था, जो वो लोग इंडिया का जो भारतवर्ष का जो मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम था. लॉन्ग टाइम इंसर्जेंसी प्रॉब्लम है, वो लोग आइसोलेटेड समझता है खुद को इंडियन मेन स्ट्रीम से. तो अभी नॉर्थ ईस्ट को लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए जो काम चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए, नॉर्थ ईस्ट का नेशनलिज्म डेवलप करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट का जो यूथ है उनको, हमारा जो देश है, देश का जो संविधान है उसका माफिक चलना, और नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेटेड फीलिंग जो है नॉर्थ ईस्ट के यूथ में, इससे देश का मेनस्ट्रीम में जोड़ने के लिए ये इंडियन यूथ पार्लियामेंट एक अच्छा भूमिका ले सकता है.